हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांग भारद्वाज एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो में जो मैं दिखाने जा रहा हूं, ये नोटिफिकेशन निकाला है UP SSSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्स की डेट दी गई है कि कब कौन सा एग्जाम्स होगा। जल्द पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें आपका एग्जाम्स किस डेट में हो ये आपको इससे पता लगेगा। चलिए मैं आपको बताता चलता हूँ, लेकिन उससे पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज आपको मिल सकें। चलिए इसमें शुरू करता हूँ कि आयोग ने मार्च 2020 तक 22 तक का परीक्षा कार्यक्रम इसमें दिखाया, जिसमें सबसे पहली आपकी परीक्षा दिखाई गई है, प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021। ये अहरकारी परीक्षा है और इसका जो एग्जाम होना है वो आपका होगा 20 अगस्त को। दूसरी आपकी जो इसमें दिया है वो है जिसका विज्ञापन संख्या था 06/2018। ये राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 थी। इसका एग्जाम है सितंबर 2021 में। अब जो तीसरा आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि जिसके लिए JEE के स्टूडेंट पिछले 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत सारा इसके लिए हो रहा है, वो है 04/2018 सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018, जिसके लिए 1477 विज्ञापित पद थे। तो इसकी परीक्षा दोस्तों अक्टूबर 2021 में होगी। तैयारी शुरू कर दीजिए, पूरी तैयारी मैं आपको कराऊंगा 2021 अक्टूबर तक, जो कि इसकी परीक्षा होनी है। आगे की परीक्षाओं की चलिए बात करते हैं। आगे जो आपका परीक्षा है 4 नंबर पे है 01 परीक्षा 2019, जो कि सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 की मुख्य परीक्षा होनी है। वो इसमें विज्ञापित पद 672, ये भी आपकी अक्टूबर 2021 में ही होगी। आगे आपकी पांचवी जो है, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा आप अगस्त में देने जा रहे हैं, उससे जो प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021 के परिणाम के उपरांत प्रकाशित विज्ञापन की मुख्य परीक्षा, जो कि राजस्व लेखपाल की होगी, जिसमें वैकेंसियां होंगी 7882। इसकी परीक्षा आपकी नवंबर 2021 में होगी। तो दोस्तों इसकी भी तैयारी पूरी हाईफाई तैयार करने लगी है, पूरी तैयारी पे डट जाइए, क्योंकि नवंबर में आपका एग्जाम, अक्टूबर और नवंबर दो महीनों में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम हैं। आगे 6 नंबर पर है प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021 के उपरांत जो सामान्य परीक्षा स्वास्थ्यकर्ताओं व समान योग्यता वाले अन्य पदों की परीक्षा होनी है, जिसके लिए 9212 वैकेंसी हैं, वो भी आपकी नवंबर 2021 में परीक्षा होनी है। आगे 7 नंबर पे हम बात करते हैं, क्या है 7 नंबर पे आपकी जो परीक्षा है वो है सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019, जिसके लिए 904 वैकेंसियों के लिए निकला था और ये आपकी दिसंबर 2021 में परीक्षा होनी है। आगे 8वें नंबर पर आपका है जो आवेदन लिख रहा था 05 परीक्षा 2019 के लिए, इसमें वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 है। 655 पदों के लिए आपकी वैकेंसी निकली थी, इसकी परीक्षा आपकी होनी है 2021 दिसंबर माह में। 9 नंबर पर आपका है 06 परीक्षा 2019 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019, 486 पदों के लिए निकली थी, ये आपका होना है जनवरी 2022 में। आगे 10 नंबर है आपकी सम्मिलित अवर अभियंता एवं उप वास्तुविद सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 की सेकेंड है ये, 489 पद थे, जनवरी 2022 में इसका एग्जाम होना है। अब 11 नंबर एक बार फिर से आपका इम्पोर्टेंट आ रहा है, क्योंकि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021 के परिणाम के उपरांत प्रकाशित विज्ञापन की मुख्य परीक्षा, जो कि कृषि प्रावधिक के लिए होगी, गन्ना पर्यवेक्षक व समान योग्यता वाले अन्य पदों के लिए होगी, लगभग 2500 पद होंगे, तो इसकी परीक्षा आपकी फरवरी 2022 में होनी निश्चित है। उसके बाद 12 नंबर पे आपका है 23 परीक्षा 2016, जो आपका विज्ञापन 2016 में निकला था, सम्मिलित तकनीकी सेवा चयन आयोग प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 का,
486 पद थे। इनकी परीक्षा भी आपकी फरवरी 2022 में होना निश्चित है। इसके आगे हम बात करते हैं 13 नंबर की जो है आपकी 02 परीक्षा 2018 है, सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 की पुनर्परीक्षा होनी है, ये जो कि उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका के निर्णय के अधीन है। तो इसकी 1953 वैकेंसियाँ थीं और ये मार्च 2022 में परीक्षा होनी है। तो जिन्होंने इसमें फॉर्म डाला था और एग्ज़ाम नहीं दे पाए, एग्ज़ाम दिया और कैंसिल हो गया, तो वो दोबारा तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मार्च 2022 में आपकी परीक्षा दोबारा होना है। आगे 14 नंबर पर फिर से एक इम्पोर्टेंट है, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021 जो कि आप अगले महीने देने वाले हैं, यानी कि अगस्त 2021 में देने वाले हैं, 20 अगस्त को परीक्षा है। तो उसमें जो उसके बाद इसकी मुख्य परीक्षा कनिष्ठ सहायक की, आशुलिपिक की एवं समान योग्यता वाले अन्य पदों की निकलेगी, लगभग 2000 पद होंगे, ये भी मार्च 2022 में होना है। 15 नंबर पे आपका है प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021 के बाद जो मुख्य परीक्षा होनी है, प्रयोगशाला प्राविधिक की, एक्सरे प्राविधिक की व समान योग्यता वाले अन्य पदों की, लगभग 1200 पद इसके लिए होंगे, तो ये भी मार्च 2022 में निकलेगी। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए सूचना थी जो कि आज 24 तारीख को ही ये आयोग द्वारा दी गई है और मैं 24 तारीख आज ही तुरंत आपको इसकी सूचना दे रहा हूँ। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जिसमें डेट्स दी गई हैं, तैयारी पे डट जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं पूरी की पूरी तैयारी करवाऊँगा आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा जिससे कि आपको आगे की सारी परीक्षाओं की तैयारी करने का मौका मिल सके और ऐसी ही अपडेट की जानकारी मिलती रह सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा।